क्लास सिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चेंजेस अराउंड अस क्वेश्चन नंबर वन टू वैट थ्रू वाटर लॉक एरिया। रुक जाओ, क्वेश्चन लिखते हैं तब बताएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस क्लास सिक्स हो रहा है। ध्यान दो, किताब निकाल लो, कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन को देखो, खुद से बनाओ, सोचो समझो, नहीं समझ में आता यहाँ देखो फिर समझ में आएगा। चलो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया, यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। ठीक है, तो आप एक कीचड़ भरे एरिया से जा रहे हैं जहाँ पानी लगा हुआ है, वाटर लॉक्ड मतलब लॉक्ड मतलब जमा, तो आप एक ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ पानी लगा हुआ है, ठीक है। यूजुअली शॉर्टन द लेंथ, यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस, आप क्या कर रहे हैं, जो जीन्स पहने थे या फिर जो भी कपड़ा पहने थे उसको आप क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, यानी आप जो लेंथ है अपने ड्रेस का उसको कम कर रहे हैं फोल्ड करने से। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो अभी आप जो चेंज कर रहे हैं अपने ड्रेस में यानी उसका जो लंबाई कम कर रहे हैं, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी वापस इसको बढ़ा किया जा सकता है, येस और नो? येस, द लेंथ ऑफ द ड्रेस कैन अगेन बी इंक्रीज बाय अनफोल्डिंग इट, यानी उसको जब अनफोल्ड कर देंगे तो ड्रेस के लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हेंस दिस चेंज कैन बी रिवर्स, तो ये जो चेंज है ये रिवर्स्ड किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, आपने क्या किया, अपना फेवरेट खिलौना जो है उसको अचानक से उसको गिरा दिया और तोड़ दिया है। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, ये एक ऐसा चेंज जो आप चाहते थे कि कभी ना हो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ऐसा चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, सोच के देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है सम चेंजेस आर लिस्टेड, यहाँ पे नीचे कुछ चेंज वगैरह दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच चेंज, प्रत्येक चेंज के लिए राइट द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, तो हमको यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, इसमें बताना है कि ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला है द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी को काटना, एक लकड़ी के टुकड़े को काटना, तो क्या उसको वापस हम जोड़ पाएंगे, वैसा कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ सॉल्यूशन हम दे रहे हैं इसी प्रकार से, एस नंबर चेंज कैन बी रिवर्स्ड, 1 2 3 4 5 6 इसका लिखे हैं, और जो ब्लैंक है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के हम नो लिखे हैं। दूसरा नंबर है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यानी आइस कैंडी का पिघल जाना, तो क्या इसको वापस हम जमा सकते हैं, आइस बना सकते हैं उसी कैंडी का, हाँ, यस। तीसरा नंबर है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो पानी में चीनी मिला देना, तो क्या वापस हमको चीनी मिल सकता है, बिल्कुल, गर्म कर देंगे तो चीनी मिल जाएगा, तीसरा यस हो जाएगा। द कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, खाना पकाने से क्या होगा, उसका केमिकल वगैरह चेंज हो जाएगा। कच्चा खाना पकने के बाद अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उसका केमिकल का जो उसका प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया, केमिकल्स वगैरह उसके चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या उसको वापस हम कच्चा कर सकते हैं पकाने के बाद, बिल्कुल नहीं, सो ये नो हो जाएगा, कुकिंग फूड नो। द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, मैंगो का पक जाना, आम का पक जाना, कच्चा आम पका आम हो गया, ठीक है, सो क्या ये वापस कच्चा आम हो सकता है, नहीं, तो ये नो करेंगे। कैन बी रिवर्स्ड, क्या रिवर्स किया सकता है, तो नहीं। सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना, इकट्ठा हो जाना, तो क्या वापस दूध वैसा मिल सकता है, नहीं, तो ये भी नो हो जाएगा, तीसरा नंबर भी हो सकता है। बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री हो चुका, क्वेश्चन नंबर फोर, अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस वेन यू ड्रॉ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज, ठीक है। तो एक ड्रॉइंग शीट जो होता है, इसमें हम लोग ड्रॉइंग करते हैं, तो जब भी हम उस पर पिक्चर बनाते हैं तो उसमें एक चेंज आता है। अभी सादा पेपर था, अब क्या हो गया, वो रंगीन हो गया, ठीक है। तो क्या ऐसे चेंज को जो है हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो हाँ, सोच के देखो, हाँ कर सकते हैं। अगर हम पेंसिल से बनाएं तो उसको मिटा देंगे तो वापस सादा पेज आ जाएगा, लेकिन अगर पेन से कर दिए तो वापस वैसा हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे जैसा है। सो यस, इफ द ड्रॉइंग इज मेड बाय पेंसिल, हाँ, अगर ड्रॉइंग जो है पेंसिल से बना है तो चेंज जो रिवर्स हो सकता है। नो, इफ द ड्रॉइंग इज मेड बाय पेन, तो यस भी होगा आंसर, नो भी होगा, ठीक है, सही बात है, डिपेंड कर रहा है कि हम पेन से बना रहे हैं, पेंसिल से बना रहे हैं कि नहीं। अगर पेन से बना रहे हैं तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, सो नो इफ द ड्रॉइंग इज मेड बाय पेन, अगर पेंसिल से बना रहे हैं सो यस इफ द ड्रॉइंग इज मेड बाय पेंसिल, तो रिवर्स किया जा सकता है अगर पेंसिल से बन रहा है तो, ठीक है। Give examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed. तो हमें example देके बताना है कि क्या अंतर है वैसे change में जिस जिसको बदला जा सकता है और जिसको नहीं बदला जा सकता है। तो change बताए थे दो प्रकार का हो रहा है, मतलब चार प्रकार का था, reversible, non-reversible, physical और chemical। तो अभी हम दो को हिसाब से देखते हैं जिसको बदला जा सके और नहीं बदला सके, reversible और non-reversible, ठीक है। तो क्या अंतर है
उन दोनों चेंज में जिसको कि बदला जा सकता है और बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो एक चेंज को बदल सकते हैं, एक चेंज को नहीं बदल सकते हैं। सो क्या अंतर है दोनों में? सो देखो, अगर एक बैलून को हम फुलाते हैं उसका साइज शेप चेंज होता है, ठीक है, और वैसा ही बैलून हम वापस ले सकते हैं, ठीक। तो ये कैसा चेंज है समझो, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब वही जो इन्फ्लेटेड बैलून है, इन्फ्लेटेड मतलब जिसमें हवा भरा हुआ है, सो जो इन्फ्लेटेड बैलून है हमारे पास, उसको एक पिन से हिट कर दें तो क्या वापस वो जो बैलून फट चुका है, क्या वापस वो ओरिजिनल शेप में आ सकता है? नहीं। सो अंतर बता दिए कि वैसा चेंज में जिसको कि रिवर्स कर सकते हैं, यानी बैलून फुलाना और वापस उसको पचकाना और वापस उसको प्राप्त कर लेना, ठीक। तो और अगर बैलून को फोड़ देना, ठीक है। सो वैसा चेंज जिसको रिवर्स नहीं कर सकते उसमें क्या हो जाएगा, बैलून को फोड़ देना और वापस जो ओरिजिनल हम नहीं प्राप्त कर सकते। ये पहला एग्जांपल। दूसरा हो जाएगा कि अगर हम लोग पेपर के पीस को फोल्ड करें, एक कागज़ का टुकड़ा है उसको फोल्ड करें, तो शेप साइज उसका चेंज होगा और ये जो है हम लोग वापस ओरिजिनल शेप उसका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अनफोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड किए उसको अनफोल्ड कर देंगे, खोल देंगे, मिल जाएगा। लेकिन वही अगर पेपर को काट दें या फिर जला दें तो वैसा हम लोग ओरिजिनल पेपर ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यही चीज़ इसमें लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब बढ़ेंगे हम लोग, 5 हो गया, 4, 5, अब बढ़ेंगे 6 और 7, लास्ट क्वेश्चन। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 6 नंबर क्या है, अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जब हाथ वगैरह टूटता है तो जो बैंडेज करते हैं, तो जो केमिकल्स हम लोग बैंडेज करते हैं उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो कि चूना जैसा दिखता है। अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पेस्ट इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन। तो हड्डी वगैरह जब टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग लगाते हैं। इट बिकम्स हार्ड, ये हार्ड हो जाता है ऑन ड्राइंग, सूखने पे ये हार्ड हो जाता है, ये जो पेस्ट है सूखने पे हार्ड हो जाता है। टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड मतलब होता है घूमे, इमोबिलाइज्ड मतलब जो नहीं घूम सके। सो ये हार्ड हो जाता है जिससे कि हड्डी जो है अपने जगह पे बना रहे, ठीक है। कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स्ड, क्या ये जो प्लास्टर और पेरिस में जो चेंज हुआ है, यानी ये जो नरम से ये जो सख्त हो चुका है, एकदम जो कड़ा हो गया है ये बैंडेज, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। देखो अब क्या कहता है, व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट चेंजेस टू अनदर सब्सटेंस। जब पानी को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया जाता है, ये जो है दूसरा सब्सटेंस बना लेता है, बन जाता है ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग इट हार्डेंस, सूखने पे ये कड़ा हो जाता है। वंस द पॉप हैज, वंस द प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज हार्डेंड, यानी जब ये कड़ा हो चुका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज, तो इसका शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसके शेप को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, देयरफॉर द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो क्या हुआ है कि रात में सीमेंट को छोड़ दिया गया है ऐसे खुले में, छत पे छोड़ दिया गया, काम वगैरह चल रहा था, सीमेंट जो है छूट चुका है और पानी पड़ गया रात में, जिससे कि क्या हो गया, सीमेंट भीग चुका है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, जो सूरज निकलता है एकदम खूब अच्छे से, क्या लगता है, ड्यू थिंक द चेंज दैट हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन बी रिवर्स, क्या लगता है सीमेंट में जो चेंज आया है भीगने के बाद, क्या वो रिवर्स हो सकता है? सोचो सोचो क्या होता है, सीमेंट वगैरह जैसे घर में काम वगैरह हुआ होगा तो देखो कि सीमेंट अगर कहीं हवा लग गया, उसमें पानी लग गया, तो वो कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या वो वापस उस सीमेंट को हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो है दूसरा सब्सटेंस बन जाता है, हार्ड हो जाता है वो, तो उसका जो केमिकल है वो एक प्रकार से चेंज हो जाता है। तो वो जो है क्या 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 बोलेंगे उसको, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि केमिकल पूरे चेंज हो गया, मतलब कि वो कड़ा हो चुका है, ठीक है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है। सो इस केस में जो चेंज है वो रिवर्स नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सीमेंट है जो कि कड़ा हो चुका है भींगने के बाद, वो हम लोग वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीमेंट जब भींग जाता है तो वो कड़ा हो जाता है और वो वापस हम लोग सीमेंट, नॉर्मल जो सीमेंट होता है वो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लासिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन चेंजेस अराउंड अस चैप्टर 6 था साइंस का, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग सारा कर चुके हैं, ठीक है। तो बुक निकाल के सॉल्व करना, अच्छे सॉल्व करो। और अब है गेटिंग टू नो प्लांट्स 7th चैप्टर क्लास 6 साइंस।